नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस वर्सेस मोटो जी 24 पावर 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.48 इंच जबकि G24 Power 4G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 20 Pro Plus से कम है। विड्थ की बात करें तो 20 Pro Plus में 2.95 इंच जबकि G24 Power 4G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो 20 Pro Plus में 0.3 इंच जबकि G24 Power 4G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 20 Pro Plus से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 20 Pro Plus में AMOLED जबकि G24 Power 4G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 20 Pro Plus में 6.78 इंचेस जबकि G24 Power 4G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 20 Pro Plus में 1080x2460px FHD+ और G24 Power 4G में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 20 Pro Plus में 88.56% जबकि G24 Power 4G में 85.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 20 Pro Plus में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि G24 Power 4G में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20 Pro Plus में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और G24 Power 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 20 Pro Plus में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G24 Power 4G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 20 Pro Plus में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G24 Power 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 20 Pro Plus में Mali G57MC2 जबकि G24 Power 4G में Mali G52MegaCoolM2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 20 Pro Plus में MediaTek Helio G99 Ultimate और G24 Power 4G में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो 20 Pro Plus में 8GB की RAM मिलती है जबकि G24 Power 4G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 20 Pro Plus में 256GB जबकि G24 Power 4G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 20 Pro Plus में 5000 mAh जबकि G24 Power 4G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 20 Pro Plus में 4 कलर्स जबकि G24 Power 4G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 20 Pro Plus में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ
₹14,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें G24 Power 4G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹7,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹9,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस में 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G24 पावर 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 20 प्रो प्लस आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200E 5G है, दूसरा मोटो G04 4G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।